मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। 15 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र में शिवराज सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। इसके अलावा सदन पटल पर कई विधेयकों समेत मुद्दों पर चर्चा होगी। राज्य के नीति निर्माण के लिए ये सत्र अहम भूमिका निभा सकता है। बता दें कि सरकार वर्तमान वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। इसके साथ ही ऑनलाइन सट्टे पर लगाम लगाने के लिए भी संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है। गौरतलब है कि मॉनसून सत्र 15वीं विधानसभा का आखिरी सत्र है, तो 15वीं विधानसभा का मॉनसून सत्र 5 दिन तक चलेगा। 5 दिन के सत्र में 5 बैठकें होने वाली हैं। इसके अलावा 15वीं विधानसभा का यह आखिरी सत्र होगा। अनुपूरक बजट भी सरकार की ओर से पेश किया जाएगा और 12 जुलाई को अनुपूरक बजट पेश होना है। 25,000 करोड़ का अनुपूरक बजट हो सकता है। पहले दिन पटल पर रखे जाएंगे अलग अलग विभागों के वार्षिक प्रतिवेदन। वन विभाग, श्रम विभाग, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के प्रतिवेदन रखे जाएंगे। ऊर्जा विभाग, उच्च शिक्षा, स्कूल के प्रतिवेदन भी रखे जाने हैं। विपक्ष की तरफ से गोविंद सिंह, प्रदीप लारिया पूछेंगे सवाल। पीसी शर्मा, ओंकार सिंह मरकाम भी सवाल पूछने वाले हैं। और हुक्का लाउंज पर प्रतिबंध के लिए जो विधेयक बना है वो पेश होगा। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक 2000 पेश होगा। मॉनसून सत्र हंगामेदार होने के पूरे